उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसर्क देहरादून के स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो यूसर्क उत्तराखंड के संपूर्ण क्षेत्र में, चाहे वो जो है दुर्गम क्षेत्र हो चाहे सुगम क्षेत्र हो, हम प्रयास कर रहे हैं कि विज्ञान शिक्षा को और जो विज्ञान संबंधी विभिन्न विषय हैं उन पे चर्चा परिचर्चा के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से हम अपनी बात अपने स्टूडेंट्स से लेके और विभिन्न श्रोताओं दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाएं। इसी के तारतम्य में आज हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर एस के खन्ना साहब, जो कि CSIR की जो एक प्रमुख संस्था है, उस IIP के नाम से जिसे जाना जाता है, वो संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के नाम से जिसे आप जानते हैं, वहाँ पे आप सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट के पद पे आप रहे। तत्पश्चात आप यहाँ पे एक एक्सपर्ट के रूप में यूसर्क में कार्यरत हैं। आपके द्वारा लगभग 50 से ऊपर शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में आपके द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। आपको बहुत सारे अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको प्राप्त हुए हैं। अभी 2014 में उत्तराखंड में ही आपको दूर रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है। थोड़ा समय ये बताना यहाँ पे प्रासंगिक समझता हूँ कि चूंकि हमारे विद्यार्थी हैं, कि प्रोफेसर खन्ना साहब की जो शिक्षा है आपने जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की के नाम से हम पहले जानते थे, आज IIT रुड़की के नाम से उसको जानते हैं, आपने IIT रुड़की से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर MSc की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात आपने जो PhD की डिग्री है वो यहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आप काफ़ी ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक रहे हैं, आपका बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। तो मैं चाहूँगा कि क्योंकि आप संपूर्ण जीवन आपने IIP जैसे इंस्टीट्यूशन को दिया है, आप पेट्रोलियम से जुड़े हुए रहे हैं, पेट्रोलियम पे आपका कई शोध रहा है और आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कितना महत्वपूर्ण है, तो मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर खन्ना साहब पेट्रोलियम के बारे में, क्रूड ऑयल के बारे में थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको बताएं, क्योंकि जिज्ञासाएं होती हैं हमारे अंदर कि आखिर हर बार कहते हैं कि क्रूड ऑयल, कभी कहते हैं उसकी वैल्यू, उसका जो प्राइस है बढ़ रहा है घट रहा है और उस पर हमारी इकोनॉमी डिपेंड करती है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे कि ये जो है क्रूड ऑयल आखिर है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे विभिन्न CNG वगैरह क्या क्या इसमें इसके अंतर्गत आता है, और जैसे कहते हैं कि ये चूँकि हम बाहर देशों पर इस पर निर्भर रह रहे हैं, तो क्या हमारे पास इसके अलावा भी कुछ अल्टरनेट है? यदि हमारे पास क्रूड ऑयल उपलब्ध नहीं हो पाता है तो क्या IIP जैसे कोई संस्थान इस प्रकार की कोई शोध कर रहे हैं कि जिससे हम इसका कुछ अल्टरनेट, इसका समाधान निकाल पाएं? तो मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर खन्ना साहब आपका यहां पे, और मैं चाहूंगा कि हमारे स्टूडेंट और जितने भी दर्शक हैं उनको आप बताएं कि ये क्रूड ऑयल क्या चीज है और किस प्रकार इसको समझा जा सकता है। धन्यवाद नवटियाल साहब, डॉक्टर नवटियाल। जैसा कि बच्चों, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जाते हैं पेट्रोल पंप्स या घरों में मिट्टी का तेल और ट्रक वगैरह जो गाड़ियाँ हैं वो डीजल से चलती हैं, क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये पेट्रोल डीजल या हमको जो है मिट्टी का तेल ये कैसे प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है? अभी थोड़ी सी मैं आपको कहूं कि अभी किसी जगह पर मैंने किसी से पूछा कि भाई ये पेट्रोल कैसे मिलता है, तो किसी बच्चे ने जवाब दिया कि अगर हम गड्ढा खोदें तो उसमें से पेट्रोल निकलता है। तो हमने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया, अगर आप अपने घर के आगे ही गड्ढा खोद लें तो जो है आप तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। इसी तरह से ये मैं थोड़ा सा जनरल आपको बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि भाई हम पेट्रोल ये चीज़ें जो है किस तरह प्राप्त करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि ये जो
पेट्रोल डीजल ये है, इसका बेसिक या जो है कौन सा ऑयल है जिससे कि हम जो है ये प्राप्त करते हैं? चलिए मैं ही आपको बता ही देता हूं कि इसका जो मेन सोर्स है पेट्रोल केरोसिन या डीजल्स का, ये होता है क्रूड ऑयल। अब तरल पदार्थ इसको जो बोलते हैं, क्रूड ऑयल जो है ये हमें कहां से और कैसे प्राप्त होता है? आपने देखा होगा कि ये क्रूड ऑयल जो है कहीं पर जब तूफान आंधी और कई चीजें, अभी आपने सुनामी का नाम भी सुना था कि सुनामी आई थी और उसकी वजह करके जो है कई चीजें, पेड़, जानवर, ये सब चीजें जो है पानी के साथ बहती हैं और उसके बाद जमीन की सतह पे जाकर जो है एकत्रित हो जाती है। उसके बाद वहां पर कई तरह की जो है रासायनिक जो है क्रियाएं होती हैं, जिसमें से जैसे जिसको डिहाइड्रेशन, फर्मेंटेशन कहते हैं, उसकी वजह करके ये नीचे एक तरह का काला पदार्थ जो है संगठित होता रहता है। जो है उसके बाद हमारे यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशन भारतवर्ष में है जो इसके ऊपर बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन है, एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये CSIR की एक लेबोरेटरी है। CSIR की जो है इस वक्त 38 लेबोरेटरी हैं जो डिफरेंट फील्ड में काम कर रही हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है पेट्रोलियम से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है वो सब जो है पर काम कर रही है। दूसरा है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसका काम है कि जहाँ जहाँ पर भी क्रूड ऑयल का पता लगता है कि यहाँ प्राप्त हो सकता है तो वहाँ पर जो है ये ड्रिलिंग करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल जो है बिल्कुल ही ग्रीनिश ब्राउन लिक्विड टाइप का होता है और ये मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया, ये जो है एनिमल्स अंडर अर्थ या जितने तरह के पेड़ होते हैं ये जब दब जाते हैं जब जमीन के अंदर जाकर वहां पर कई तरह की क्रियाओं के बाद ये एक ब्राउनिश कलर का या रेडिश कलर का एक तरह का ऑयल लिखा है। ONGC ने जो है इस तेल को अपने प्रोसेस के द्वारा जो है इसको बाहर निकालते हैं। जो इस सबसे बड़ी इसमें एक बड़ी स्मेल होती है, वो स्मेल किस वजह करके होती है? क्योंकि उसमें एक सल्फर होता है। सल्फर जो है उसको पहले रिमूव किया जाता है और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के द्वारा इसको जो है रिमूव करते हैं और सल्फर कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद कॉपर ऑक्साइड फ्रॉम कॉपर सल्फाइड कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। और इसमें रिमूव किया जाता है सैंड, ब्राइन, सी वाटर, सल्फर इम्प्योरिटी, ये जो है सब्जेक्टेड टू फ्रंट डिस्टिलेशन इन रिफाइनरी। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रिफाइनरी क्या है। आपने सुना होगा, आप ये सोचेंगे क्रूड ऑयल लिया और उसमें से कैसे निकाला जाता है पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें जो हैं रिफाइनरी में निकाली जाती हैं। अब ये रिफाइनरी क्या है? हमारे भारतवर्ष में इस वक्त 18 रिफाइनरी है। मैं सबके नाम ना लेते मुख्य रूप से आपको बताता हूँ, जैसे कि पानीपत रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी है फरीदाबाद के अंदर, इसी तरह से आपके रिलायंस की है जामनगर में। रिफाइनरी क्या होती है? उसमें रिफाइनरी में जो है इस तरह के कॉलम बने होते हैं जो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट टाइप की चीजें बाहर निकालती है। जैसे नीचे से ये फिगर जैसे आपको बता दिखाया है, इसमें क्रूड ऑयल डाला जाता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 370, 300, 200, 150 पे डिफरेंट टाइप के, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैसोलीन निकलती है जिसे हम पेट्रोल बोलते हैं, केरोसिन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीजल ऑयल, 370 पर लुब्रिकेटिंग ऑयल,
400 के बाद इसमें कई चीजें लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, फर्नेस ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड बिटुमन। आप कहेंगे कि बिटुमन क्या है? आप देखते हैं रोड के ऊपर, सड़कों पर, ये जो कालतोर, इसे तारकोर बोलते हैं, इसे बोलते हैं बिटुमन। इसको जो है ये सड़क बनाने के काम आता है। सबसे लास्ट में हमारे पास एक बड़ा हैवी टाइप का होता है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो एस्फाल्टिन, दूसरा रेजिन्स। एस्फाल्टिन और रेजिन्स, इनको रिमूव किया जाता है जब रिफाइनरी में हम पेट्रोल ये सब चीजें करते हैं, क्योंकि ये बहुत हैवी है। अगर इनको रहने दिया जाए तो ये जो है हमारे प्रोसेस के अंदर कई तरह की जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप देखिए कि जैसे आपने क्या नाम एस्फाल्टिन को जब पाइपलाइन में क्रूड ऑयल जाता है तो एस्फाल्टिन जो है क्रूड ऑयल में इसको चोक कर देता है कई जगह पर, कहीं पर, जिससे कि आगे फ्लो में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसको फ्लो करने के लिए जो है एस्फाल्टिन और रेजिन्स को रिमूव करना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा कि मैंने अपना जो रिसर्च वर्क, पीएचडी वर्क किया था, वो मैंने रिमूवर ऑल एस्फाल्टिन और रेजिन पर ही किया है। इनको पहले कैसे रिमूव किया जाए जिससे क्रूड ऑयल जो है बड़े स्मूथली पाइपलाइन के थ्रू जा सके। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में सबसे पहले क्या होता है कि ऑयल नेचुरल गैस कमीशन, ये जब क्रूड ऑयल को निकालता है जमीन से, इनको कैसे आइडिया रहता है कि यहाँ पर वाकई में, ये जरूरी नहीं है कि ONGC ने सोचा कि यहाँ पर जो है क्रूड ऑयल होगा, इसको निकालेंगे तो क्रूड ऑयल निकलेगा। कई बार ONGC इस मामले में फेल भी हो जाता है, गलत हो जाता है, या उसको निकालने में उनको बहुत दिक्कत आती है, और जब वो निकल के बाहर आता है तो होता है कि वो क्रूड ऑयल नहीं है। ONGC ने जहां पर पहले क्रूड ऑयल निकाला हुआ है उन्हीं डाटा के बेस पे वो ये देखते हैं कि धीरे 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 लैंड के अंदर क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, या कुछ है जो पिछले डाटा से उनको कंपेयर करके जब देखते हैं कि क्रूड ऑयल। लेकिन जब आप देखिए क्रूड ऑयल बाहर आता है तो वहां से जो लोग हैं, जो वहां की टीम होती है, वो कम से कम एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर पर खड़ी होती है। इतने प्रेशर से क्रूड ऑयल बाहर आता है, अगर कोई वहां पर खड़ा रह जाए या कुछ है तो वो उड़ जाएगा एक तरह से उसमें। इसलिए वो बहुत दूर खड़े होते हैं जिससे कि बहुत प्रेशर से क्रूड ऑयल आता है, और जब धीरे धीरे वो पास में उसके बैरल रखे होते हैं बहुत बड़े बड़े, उसमें वो गिरता रहता है और अल्टीमेटली उसका फ्लो सिस्टम जो है थोड़ा स्लो होता है, देन सब लोग वहां पर आते हैं और उसको कलेक्शन होती है। ये क्रूड ऑयल जो होता है, इस क्रूड ऑयल को ONGC, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, जो मैंने अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम बताया, उसको क्रूड ऑयल भेजता है सैंपल। IIP के अंदर मिनी रिफाइनरी टाइप का एक प्लांट बना हुआ है, जो है मिनी रिफाइनरी मतलब छोटा मॉडल टाइप कह लीजिए या कुछ भी है, उसमें वहां पर IIP में टेस्टिंग होती है कि कितना इसमें पेट्रोल है, कितना डीजल है, कितना कैरोसिन है, बाकी चीजें क्या है। और वहां पर इस तरह के भारत पेट्रोलियम संस्थान में ये भी रिसर्च की जाती है कि बाकी का जो बचा है उसमें और हम चीजें क्या निकाल सकते हैं, वो उस पर रिसर्च करते हैं कि इसमें और चीजें क्या बनाई जा सकती है डेरिवेटिव जो है। उसके बाद ये रिपोर्ट बन के ONGC को जाती है, ONGC देन क्रूड ऑयल को जो है रिफाइनरी में भेजता है, और रिफाइनरी में ये क्रूड ऑयल का फिर जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है। वो देखते हैं कि ये जो क्रूड ऑयल मिला है हमें, इसमें जो IIP ने रिपोर्ट दी है, क्या उतने % पेट्रोल है, उतने % डीजल है, उतने % कैरोसिन है, तो इस तरह का जो है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान रिसर्च करता है। अगर कोई कंट्रोवर्सी आती है कि मान लिया कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने कहा कि इसमें 30% पेट्रोल है और रिफाइनरी में वो 30% ना होके कम मिल रहा है, तो उसके बाद ONGC
और आईआईपी के एक्सपर्ट दोनों बैठ के उस पर डिस्कशन होता है, फिर दोबारा उसको चेक किया जाता है, तो जो किसी तरह की कोई भी जो है प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में जो है अल्टरनेटिव फ्यूल्स पर भी काम चल रहा है। आप कहेंगे कि ये अल्टरनेटिव फ्यूल्स क्या है, अगर मान जिस तरह से हम आज की डेट में हमें 215 मिली मैट्रिक टन क्रूड ऑयल की जरूरत है, लेकिन आज हमारे पास सिर्फ भारतवर्ष में हम 35 मिली मैट्रिक टन क्रूड ऑयल को प्राप्त कर रहे हैं। बाकी का क्या करते हैं, बाकी बाहर से आता है, बाकी जो है बाहर से निर्यात किया जाता है क्रूड ऑयल। इसी कारण से आज की डेट में तो भले ही 62 रुपए से लेकर 65 रुपए जो है बैरल, 62 से 65 रुपए और सॉरी डॉलर जो है क्रूड ऑयल की कीमत है। और एक टाइम ऐसा भी आया था कि जब बैरल की कीमत 135 रुपए हो गई थी डॉलर, उस समय जब ये प्रॉब्लम हुई और तब उस समय सरकार ने जोर दिया कि अल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऊपर काम किया जाए, जिससे कि कल को अगर प्रॉब्लम किसी तरह की भी आती है, जिस तरह से हमारे भारतवर्ष में अब जो है डीजल सॉरी ये क्रूड ऑयल निकलना जो है कम हो गया है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कहाँ तो हम 115 पे थे और आज हम सिर्फ 35 मिलीमीटर टन पर आ गए हैं। इसलिए इस चीज को देखते हुए अल्टरनेटिव जो है फ्यूल्स पर काम हुआ। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक जेट्रोफा प्लांट होता है जिस पर सीड्स जीप जो है उस पर जो है जेट्रोफा प्लांट पर एक तरह का बीज निकलता है जो है वो जो उसको जो है क्रश करके और प्रोसेस के द्वारा उससे जो है ये ऑयल निकाला जाता है और उस ऑयल को डीजल में मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके जो है रिसर्च किया गया। पहले 5% चल जो आज वाहन है हमारे पास उनमें यूज करके देखा गया कि क्या कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता। इस तरह करते करते भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने 20% जो है जेट्रोफा ऑयल डीजल के अंदर मिलाकर गाड़ियां चलाई, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 20 के बाद जब ये 25 पर पहुंचे तो गाड़ियां जो है इंजन में धीरे धीरे इफेक्ट आने लग गया। तो इन्होंने 20% तक देखा कि हम कामयाब हैं, अगर हम 25 और 30 करें और मिलाना चाहें तो हमारे जो है हमें इंजन के डिजाइनों को चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह से आज यूएसए में 80% तक कर रहे हैं, लेकिन उनके हमारे इंजन के डिजाइन में और उनके इंजन के डिजाइन में कारों में सॉरी ट्रकों के और दूसरे में जितने भी डीजल वाहन हैं उनमें जो है डिजाइनों में फर्क है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने इतना एक बार जेट्रोफा से जो है डीजल मिलाकर जो है बनाया कि शताब्दी दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक उसके द्वारा चलाई गई और वापस आई, बिल्कुल कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आप कहेंगे कि जब जेट्रोफा हमारे पास है या हम इस तरह का डीजल बना सकते हैं तो यूज क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए कि हमारे भारतवर्ष में अभी जेट्रोफा सीड्स की थोड़ी कमी है, दूसरा इसकी ओवरऑल कास्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर पेट्रोल जिस समय 60 रुपये था पर लीटर, उस समय इसकी कास्ट 75 रुपये पड़ रही थी, ये भी एक तरह का महंगा पड़ता जो है। इसलिए एक अल्टरनेटिव फ्यूल बना लिया गया कि कल को अगर हमें किसी तरह की प्रॉब्लम आती है हमारी गाड़ियां ना रुके, हम जेट्रोफा को यूज कर सकें। दूसरा अल्टरनेटिव फ्यूल पर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने क्या काम किया, जैसे बड़ी बड़ी फर्नेसेस होती हैं आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी फर्नेसेस उनमें जो है उनको फर्नेसेस को जो है बर्नर में फ्यूल डालकर डीजल फर्नेस ऑयल वगैरह डालकर किया जाता है। तो एक काम ये किया गया कि 20% कोल का
200 मैश का पूल जो है उसमें मिलाया गया और इसमें हम 15% तक कामयाब हो पाए। जैसे 20% तक हमने जेट्रोफा में हम कामयाब हुए, इसी तरह से 20% और जो है 15% सॉरी कोल और बाकी का फर्नेस ऑयल मिलाकर बर्नर में डाला गया, जिससे कि इसकी कॉस्ट जो है थोड़ी कम आई। लेकिन इसके जो है डिमेरिट्स क्या रही, वो ये रही कि कोला जो है जब टैंक में जहाँ पर फर्नेसिस के जहाँ पर स्टोर किया जाता है ये जो है वो कोला जो है सेटल कर जाता था। जब दोबारा उसको स्टार्ट करना होता था तो उसको गर्म करते थे थोड़ा सा पतला करने के लिए कि जिससे कि कर सके। तो इस तरह के दो अल्टरनेटिव चीजें जो है हमने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने की कि कल को अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम इसको इस्तेमाल कर सके। अब ये सवाल उठता है कि हमारा ये जो है पेट्रोल डीजल केरोसिन इनकी कीमत क्यों बढ़ती जाती है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। जब बढ़ती है तो लोग नाराज होते हैं, जब कम होती है तो लोग खुश होते हैं। ज्यादा जब है सबसे बड़ी बात है कि जो हम क्रूड ऑयल है, जो क्रूड ऑयल का है उसमें क्रूड ऑयल की जो कीमत है, जब हमारे क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है बैरल की कास्ट बढ़ती है उसी के अनुसार जो है हमारे पेट्रोल की गवर्नमेंट को मजबूर होके, क्योंकि हमारी एक बहुत जो है अमाउंट डॉलर के रूप में जो है विदेशों को जाता है क्रूड ऑयल लेने के लिए, इसलिए उसकी कास्ट जो है जब बढ़ती है तो पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट को उसकी पूर्ति करने के लिए उनकी कास्ट को बढ़ाया जाता है इसका वजह करके। इसी तरह से एलपीजी की कॉस्ट है, एलपीजी की कॉस्ट जो है बढ़ती है। आपने देखा होगा डॉक्टर साहब, जरा जो है एलपीजी के बारे में बता दीजिए। अब मैं आऊंगा इसके बाद। एलपीजी जो है ये क्या है, जिसको जो गैस घरों में हम गैस यूज करते हैं इसको एलपीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह एक ऐसा फ्यूल है जिसमें दोनों चीजें यूज होती है, लिक्विड गैस, लिक्विड भी बोलते हैं इसको गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये क्या है, आपने देखा होगा घरों में जो सिलेंडर आते हैं, सिलेंडर में लिक्विड को कंप्रेस्ड करके उसमें जो है सिलेंडर में भरा जाता है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब उसको गैस को सिलेंडर को हम खोलते हैं जो है तो वो गैस के रूप में बाहर आती है। इसी तरह से भारतीय पेट्रोलियम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जैसा कि मैंने बताया, ये बाई प्रोडक्ट क्रैकिंग ऑफ हैवी ऑयल और फ्रॉम नेचुरल गैस। इट इज हाईली वोलेटाइल बट आर इजली लिक्विफाइड अंडर हाई प्रेशर। द कंपाउंड फ्रॉम द एलपीजी आर नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटेलिन एंड प्रोपेन ट्रेसेस, प्रोपाइलिन एंड इथेन। इट इज जनरली यूज एज ए डोमेस्टिक फॉर कुकिंग इन द इंडस्ट्री। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि क्रूड ऑयल की कॉस्ट जब हमारे को बढ़ती है, बाहर से जो विदेशों से हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं और उसकी कास्ट बैरल जो है डॉलर में कास्ट जो है बढ़ती है, तो इसी तरह से जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की भी कीमत बढ़ती है। उस समय क्या होता है कि लेडीज बेलन लेके सड़कों पे आ जाती हैं और शोर मचाती हैं कि कॉस्ट बढ़ गई साहब, गैस की कॉस्ट बढ़ गई लेडीज के लिए, लेकिन गवर्नमेंट मजबूर है वो क्या कि उनको जबकि आज भी इतनी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है लिक्विफाइड गैस पर। ये सिलेंडर जो है सरकार को 800 से 1000 रुपए तक की का पड़ता है, लेकिन घरों में अभी भी 550 रुपए जो है सिलेंडर जा रहा है। ये सारा जो बाकी का खर्चा गवर्नमेंट बियर कर रही है कि कम से कम लेडीज को तो खुश किया जाए, लेडीज को नाराज ना किया जाए, इसलिए उसकी कास्ट को
जो है बिल्कुल कंट्रोल किया हुआ है धीरे धीरे, लेकिन जब बहुत ही होता है तो थोड़ा बहुत तो पैसा बढ़ाना पड़ता है। लेकिन हम लोग इसको नहीं सोचते, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ये कर रही है, महंगाई बढ़ रही है। हम अपनी तरफ से ठीक है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से मजबूर है जो है, क्योंकि उनको करना पड़ता है, नहीं तो हमारे कंट्री की इकोनॉमी जो है उसके ऊपर असर पड़ जाए। अब जो है सारा पैसा इधर जाने लग गया सरकार का, तो गवर्नमेंट के ऊपर तो असर पड़ेगा। इसी तरह से जो पेट्रोल का कभी 1 रुपया बढ़ गया, कभी 2 रुपया बढ़ गया, जो बाहर से आयात करते हैं उसको मीट अप करने के लिए हमें मजबूर होकर पेट्रोल की, डीजल की, केरोसिन की कास्ट को बढ़ाना पड़ता है। ये इसी तरह से आजकल आपने सुना होगा बहुत जगह मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो बड़े बड़े शहर हैं, कलकत्ता, बॉम्बे और भी कई हैं, जहां पर अब जो है गाड़ियां सीएनजी से चल रही हैं। सीएनजी क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस क्रूड ऑयल से निकाला जाता है उसको कंप्रेस्ड करके सिलेंडर में डाला जाता है, और सिलेंडर से जो है आजकल गाड़ियां जो है सीएनजी से चल रही हैं। सीएनजी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक तो इसमें धुआं नहीं है, जो गाड़ियों का, जो पहले डीजल की गाड़ियां हैं, पेट्रोल की गाड़ियां हैं, इनमें क्या होता था कि एग्जॉस्ट पाइप से धुआं बहुत निकलता था, इमिशन बहुत होता था, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती थी, CO जो है बहुत ज़बरदस्त निकलता था इससे। लेकिन इस केस में, CNG के केस में जो है अब जो है धुएं की कम है। पहले आप दिल्ली में आज से 4-5 साल पहले जब CNG नहीं थी, आप सफ़ेद कमीज पहन के अगर निकलते थे तो आपका कॉलर शाम को काला हुआ होता था, शर्ट की शक्ल बदल जाती थी। लेकिन अब दिल्ली में ऐसा नहीं है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, नॉट दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे और बड़े बड़े शहरों में अब तो CNG आ गई है। सिर्फ यही है, इसमें एक नुकसान जरूर है हमें थोड़ा, इसमें नाइट्रस कंपाउंड बहुत हो है, निकलते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए थोड़े हार्मफुल है, लेकिन नॉट इन कंपैरिजन टू जो है पहले CO जो है गैस निकलती थी, जो हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को तकलीफ पहुंचाती थी। दिस इट रिक्वायर्ड, अब क्या है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ स्पेस फॉर स्टोरेज, इज नॉट सुटेबल फॉर द स्मॉलर व्हीकल। अब स्कूटर और इनमें जो डीजल के जो है कई आजकल आ रहे हैं, इनमें हम सिलेंडर यूज नहीं कर सकते, जितना मोटरसाइकिल का वेट नहीं उतना सिलेंडर का हो जाएगा। इट हैज ए हाई इग्निशन टेम्परेचर, 550 डिग्री सेंटीग्रेड, इट रिक्वायर्स मोर एयर फॉर इग्निशन। तो इन सबको, और एडवांटेज क्या है, इट इज ए सेफर फ्यूल, सिंस इट इग्नाइट टेम्परेचर इज हायर देन कन्वेंशनल IC इंजन लिक्विड फ्यूल्स, कम्बशन ऑफ CNG प्रोड्यूसेस लेसर नंबर ऑफ पॉल्यूटेड। मैंने जो आपको पहले बताया, इको फ्रेंडली है इसका, इको फ्रेंडली है जी, जी है। और इसके बाद भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने हमारे घरेलू उपकरणों पर भी बहुत काम किया है, जैसे कि आपका, आपने, आप तो बहुत छोटे होंगे या उस टाइम नहीं, पहले जो है घरों में जो है बत्ती वाले स्टोव बनाए जाते थे, बत्ती वाले स्टोव बहुत आते थे मार्केट में, बहुत अवेलेबल थे, लेकिन केरोसिन से चलते थे, लेकिन उनमें जो है काला सा धुआं निकलता था, बर्तन था नीचे तला काला हो जाता था कंप्लीट। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने एक ऐसे स्टोव का निर्माण किया जिसका नाम नूतन के नाम से मार्केट में अवेलेबल हुआ, जो है सबसे, ये बताते हुए भी मुझे खुशी होती है, ये देखिए नूतन स्टोव जो है, ये भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने डिज़ाइन किया था, और मुझे बताते हुए आपको खुशी होती है कि इसका इन्वेंटर भी मैं ही था, जो मैंने उस समय ये इन्वेंट किया था। ये कंप्लीट ब्लू फ्लेम देता है साहब, इसमें बिल्कुल काला धुआं नहीं निकलता और बर्तन नीचे से को बिल्कुल काला नहीं होता। जो
पहले स्टोव मार्केट में अवेलेबल थे उनकी थर्मल एफिशिएंसी 45% थी, लेकिन ये स्टोव की जो है थर्मल एफिशिएंसी भी 65% है, जो गैस के चूल्हे के इक्विवेलेंट है जो है। इसी तरह से ये साइड पे आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल लो एयर प्रेशर बर्नर, ये बर्नर भी आईआईपी में डेवलप हुआ जो फर्जिसेस वगैरह में लगाया जाता है। इसमें बहुत ही कम प्रेशर के ऊपर जो है ये बर्नर चलता है। इसी तरह से दिया लैंप, हालांकि बहुत पुरानी चीजें बेटे, आप लोगों ने तो ये चीजें देखी भी नहीं होगी क्योंकि आपको तो अब लाइट और ये सब चीजें मिलती हैं। आप अपने बुजुर्गों से पूछो, लैंप पे पढ़ते थे। तो ये दिया लैंप है, इसका प्रूव करके बनाया गया, इसकी बत्ती लाइट को ज्यादा किया गया। इसी तरह से लैंप एंड टेबल लैंप एक इनके भी चेंज किया गया डिजाइन, जिससे कि हमें ज्यादा प्रकाश मिल सके। इसी तरह से ये प्रेशर स्टोव ये भी डेवलप हुआ वहां पर आईएपी में। इसी तरह से ये लालटेन, लालटेन तो शायद आप लोगों ने देखी हो या देखी हो, उस समय हम लोगों के टाइम में लालटेन तक में हम लोग पढ़े हैं ना, लाइट नहीं होती थी घरों में, उस समय कनेक्शन नहीं थे लाइट के, तो ये लालटेन हम यूज किया। सोले फिल्म में भी यूज होती है वो, बच्चों ने यदि देखी हो तो उसमें भी जो है। और नीचे थोड़ा ऊपर जी, ये ओ ये देखिए गैस का चूल्हा, जो पहले मार्केट में गैस के चूल्हे अवेलेबल थे उनकी थर्मल एफिशिएंसी 45% होती थी, लेकिन आईपी ने ये एलपीजी स्टोव डेवलप किया जो है जिसकी थर्मल एफिशिएंसी 75% है आज की डेट में। आज मार्केट में 75% के जो है चूल्हे अवेलेबल है। इसी तरह से ये आप नीचे देखेंगे, आईपी ने एक बहुत जबरदस्त ये प्रोजेक्ट डेवलप किया था, गुड़ भट्टी, इम्प्रूव्ड इन गुड़ भट्टी, जहाँ ये गुड़ बनता है जो है 8 घंटे में 6 टन जो है गुड़ बन के तैयार होता था 8 घंटे में। लेकिन आज की डेट में इस आईएपी ने जो डेवलप किया, चिमनी का डिजाइन किया, भट्टी में जो कढ़ाई थे इनमें जो है इम्प्रूवमेंट किया गया, जलाने का जो गाय ये जो आपका गन्ने का जो भूसी होती है जिसको बोलते हैं, जब गन्ने का रस पूरी तरह निकल जाता है, इसको जो है जलाने में यूज किया जाता है इन गुड़ की भट्टियों में जो है। और इसमें जो है आज की डेट में 8 घंटे के अंदर 10 टन तक गुड़ बन के तैयार हो जाता है किसान लोगों को सिर्फ। इसके बाद पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट को आईआईपी से लिया और आज की डेट में मेरे ख्याल उन्होंने 700 भट्टियां इधर उधर लगा दी है जो है, जिससे कि एक तो किसान को बहुत फायदा हो रहा है, गुड़ ज्यादा बन रहा है पर डे, कमाई उसकी अच्छी है, और गन्ने की जो भूसी है जो है जिसको बैगाज बोलते हैं इंग्लिश में, भूसी है इसको पूरी तरह से जला के जो है वो अपने गुड़ की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं। और इसके बाद जो है आईआईपी में और भी बहुत जो है रिसर्च वर्क हो रहा है, कभी आपको मौका लगे आप अपने कॉलेज के टीचरों को बोलिए कि हमें आईआईपी लेके चलो, और भी चीज़ें देखने को बहुत मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल जो है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर खन्ना साहब। जैसे आपने बताया कि आपने जो भी आईआईपी में जो कार्य किए हैं उसका सीधे सीधे जो कि विज्ञान और तकनीकी का एक अंग भी होता है कि लैब टू लैंड वाली बात, कि आपने जो कार्य किए हों उसका फायदा जनमानस तक पहुंचे, तो निसंदेह आपने ऐसे कार्य किए हैं। जैसे आपने वो नूतन स्टोव की भी बात की या फिर वो भट्टी की बात की, तो आपने जो भी कार्य किए हैं वो किसानों तक भी पहुँच रहे हैं। एक दो जो प्रश्न थे मेरे मन में आ रहे थे, क्योंकि हमारे छात्र भी इसमें सुन रहे हैं, तो छात्रों की ओर से मैं पूछना चाहूंगा। एक तो मैं सामान्य तौर पे ये जानना चाह रहा था कि जैसे विदेशों से जो क्रूड ऑयल आता है, तो हम तो ये सोचते थे कि उसको पेट्रोल डीजल और ऐसे करके आता होगा, वो किस रूप में आता है यहाँ? क्रूड ऑयल के रूप में आता है, और हमारी रिफाइनरी यहाँ पे उसको रिफाइन करती है। एक मैं छोटी सी बात और बतानी भूल गया जी, अगर आपकी इजाजत हो। जरूर जरूर।
ये जितने भी हमारे साबुन या जितने पेस्ट ये चीजें हैं, इन सब में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पड़ते हैं या चीजें घरों के इस्तेमाल में जितनी भी है। हालांकि जो लेडीज हैं ये जो लिपस्टिक लगाती हैं, इनमें भी जो है पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स होते हैं जो है। हालांकि आज मार्केट में एक 10 रुपए की भी लिपस्टिक मिलती है, 10 रुपए का साबुन भी मिलता है, सब चीजें मिलती हैं, और आज 50 रुपए का भी है, 200-250 कंपटीशन लगा हुआ है लेडीज में कि अगर तूने 250 की लिपस्टिक लगाई है तो मैं कल 500 रुपए की लगाऊंगी। वो क्यों महंगी है? क्योंकि उसमें अच्छी तरह के पेट्रोलियम डेरिवेटिव मिलाए जा रहे हैं। साबुन है, पियर सोप है, और एक लाइफ पहले लाइफ बॉय आता था, आपको याद होगा, सस्ता सा लाल। अब तो लाइफ बॉय भी बड़ा अच्छा आने लग गया क्योंकि पेट्रोलियम डेरिवेटिव वो अच्छे मिलाने लग गए हैं। तो ये सब पेट्रोलियम डेरिवेटिव जो है इसमें मिलाए जाते हैं, और जो लेडीज लिपस्टिक लगाती हैं इनडायरेक्टली पेट्रोल खाती हैं, पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स खाती है। लेकिन वो अब जो चला हुआ है तो और कुछ पूछना चाहे सर? एक मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे जो आपने बताया कि भाई क्योंकि हम जो ये क्रूड ऑयल पे बाहर विदेशों पे निर्भर कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ उसका उत्पादन नहीं होता है, और जैसे आप कह रहे थे कि ये भी हो सकता है कि कल क्योंकि दूसरे पे जब निर्भरता है तो उसका रेट कुछ भी कर सकते हैं, माना कि वो जो है आज 100 रुपए से ऊपर 200 रुपए उसका कॉस्ट कर दें, तो निसंदेह जो आप दूसरा उसका अल्टरनेट कह रहे हैं वो हमारे लिए जो है कारगर सिद्ध होगा। उसमें मैं ये जानना चाह रहा था, आपने तो एक तो जो है आप जेट्रोपा का और उदाहरण दे रहे हैं, क्या कुछ और ऐसे कुछ ऑर्गेनिक ऐसे प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं जिसके बीज इसमें प्रयोग किए जा सकते, क्या इस पे भी कुछ रिसर्च चल रहा है? अभी रिसर्च आईएबी में चल रही है। ये जो आपका बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट अभी जो आईएबी के अंदर चल रहा है, जितना वेस्ट प्लास्टिक जो पानी की बोतलें वगैरह जो होती हैं, जितना वेस्ट प्लास्टिक होता है इससे पेट्रोल डेवलप किया जा रहा है। अभी ये चीज प्लांट लगा नहीं है, गेल के माध्यम से आईएपी ने इस पे बहुत बड़ा काम किया है, और अभी ये गेल इसी प्लांट को आईएपी के अंदर लगाना चाह रही है। गेल फाइनेंस करेगी और ये प्लांट जो है वहां लगेगा। इस तरह से अल्टरनेटिव फ्यूल पे बड़ा अच्छा वहां पर एक डिपार्टमेंट आईएपी में हो गया जो डिफरेंट सोच पे काम कर रही है। दूसरा आपने अल्टरनेटिव का बताया, बहुत अच्छा बिटुमन मैंने आपको कहा था जी। बिटुमन जो है सड़कों के ऊपर ये भी बहुत महंगा पड़ता है हमको, या कुछ है। अब इन्होंने क्या किया है कि लो वैक्स पॉलीमर जो रिफाइनरी के अंदर जो है निकल रहा है कई प्रोडक्ट से और टनों में इकट्ठा हो रहा है सब वहां पर जी। उसको उठाने वाला कोई नहीं है। अब आईपी ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लिया है कि बिटुमन के अंदर वो जो है पॉलीमर मिलाया जाए जो है लो वैक्स, जिससे कि बिटुमन की कास्ट भी कम आए और सड़कें जो हमारी बने मजबूत भी हो, और दूसरा जो है लो कास्ट में बने। तो दिन काफी काम हो रहा है आईएपी में। कुछ चीजें तो सीक्रेट हैं जो अभी हमको भी नहीं पता लग पा रही हैं, जो लोग वैज्ञानिक कर रहे हैं, लेकिन अल्टरनेटिव फ्यूल पे बहुत काम चल रहा है। वो ये चाह रहे हैं कि हमारा भारतवर्ष खुद निर्भर हो जाए हर चीजों के लिए, हमें विदेशों के आगे हाथ न फैलाना। बहुत अच्छा रोड साहब, जैसे आप कह रहे थे कि जैसे हमारा एलपीजी है, सीएनजी है, खासतौर पे एलपीजी की आपने बात की या पेट्रोल की बात की, कि यदि उसके रेट जो बढ़ते हैं तो निसंदेह जो हमारी जनता है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे जो है अब आज की डेट में कह लीजिए चुनावी समय शुरू होने लग गया है, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो यदि हमारी जो वैज्ञानिक कम्युनिटी है वो इस पर कुछ ऐसा कर पाए कि भाई हमको विदेशियों पे निर्भर ना होकर के खुद हम अपना जनरेट करें, तो निश्चित रूप से जो उसके रेट होंगे वो हम ही निर्धारित कर पाएंगे, हमारी सरकार निर्धारित कर पाएगी। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि जो ये बेलन उठाने की त्रासदी है, शायद इससे जो है मुक्ति हमको मिल सकती ये है। काम बहुत हो रहा है साहब। आईएपी का अब एक डायरेक्शन यही है कि किसी तरह से हम जो है विदेशों पर निर्भर। ये बहुत अच्छा डॉक्टर, आपने जो है बहुत अच्छी जानकारी हमारे बच्चों को दी। हम पुनः आपको जो है अगली उसमें आपको यहाँ पे बुलाएंगे, और मैं चाहूंगा कि आप नए विषय पे फिर यहाँ पे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।